हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आम की खट्टी मीठी चटपटी लौंजी, समर की सबकी मनपसंद डिश। लौंजी जो किसी भी मील के साथ उसका टेस्ट बढ़ा देती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप इसको कभी भी ले सकते हैं। इवन ये पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के भी साथ आप इसको खा सकते हैं। यही तो वो डिश है जिसमें हमें खट्टा, मीठा, तीखा सारे टेस्ट एक साथ मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना बहुत इजी है। तो चलिए हम बनाते हैं आम की खट्टी मीठी लौंजी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 500 ग्राम यानी कि आधा किलो कैरी, जिसे हम कच्चे आम भी बोलते हैं। वैसे तो समर्स के स्टार्टिंग से ही कैरी मिलने लगती हैं, बट लौंजी का असली स्वाद आता है आपको जब कैरी थोड़ी सी पक जाती है। छीलकर हम कैरी के पीसेस कर लेंगे। आप किसी भी तरीके के पीसेस कर सकते हैं, चाहे आप लंबे पीसेस करें या छोटे करें। बस ध्यान ये रखना है कि कैरी का पल्प पूरा आप लेंगे। कई लोग तो इसमें गुठली भी डालते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप चाहें तो ये अवॉइड कर सकते हैं। सारे पीसेस कट करने के बाद हम सारे मसाले तैयार करते हैं। मैं लूँगी इसमें नमक एज पर योर टेस्ट, एक चम्मच मैं लूँगी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया लेंगे हम दो चम्मच, गरम मसाला आधी चम्मच, खड़ी लाल मिर्च हम ले लेंगे एक पीस या दो पीस, हरी मिर्च को हम काट लेंगे। इसके साथ मैंने डाला है इसमें पंचफोरन। ये होममेड पंचफोरन है जिसमें मैं डालती हूँ जीरा, राई, मेथी, कलौंजी, सौंफ और साथ में लूँगी चुटकी भर हींग। स्वीटनेस के लिए मैंने लिया है आधा कप गुड़। आप चाहें तो आप शक्कर भी ले सकते हैं। छौंक के लिए हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें दो चम्मच मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें हींग ऐड करेंगे। जब हींग अच्छे से पक जाएगी तो हम उसमें पंचफोरन डालेंगे। पंचफोरन के स्प्लटर होने के बाद उसमें हम हल्दी पाउडर और खड़ी लाल मिर्च और हरी मिर्च के पीसेस ऐड करेंगे। ये सब भून जाने के बाद अब हम उसमें कटी हुई कैरी को डाल देंगे। कैरी डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारे मसाले कैरी के ऊपर कवर हो जाएं। अब हम उसमें नमक ऐड करके अच्छे से चला के उसे कवर करके रख देंगे। कुक करने के लिए हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसमें अभी पानी ऐड नहीं करेंगे। कैरी को अपने ही पानी में सॉफ्ट होने के लिए हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए
कैरी थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। हमें अभी इसको पूरा नहीं रेडी करना है, अब हम इसमें धीरे धीरे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये सब मसाले डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कैरी ने अपने आप ही कितना पानी छोड़ दिया है। सारे मसाले और कैरी अच्छे से मिक्स करके अच्छे से चला के अब हम इसे 2 या 3 मिनट के लिए फिर से कवर करके कुक करेंगे। देखिए इस तरीके से कैरी और मसाले एक साथ पक गए हैं। अब हम इसमें स्वीटनेस के लिए गुड़ ऐड करेंगे। उससे पहले आप ये भी चेक कर लीजिए आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो है कि नहीं। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि गुड़ डालने के बाद आप इसे अच्छे से चला लीजिए। कई बार ये होता है कि गुड़ नीचे से लग जाता है तो आपकी लौंजी हल्की सी जली जली सी दिखती है। अच्छे से गुड़ को चलाइए जब तक वो पिघल ना जाए, फिर आप उसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। अगर आपको पतला चाहिए तो आप इसी समय इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। दो या तीन मिनट लो फ्लेम पे कुक करने पर आपको आपकी मनपसंद कंसिस्टेंसी भी मिल जाएगी, गुड़ भी पक जाएगा और गुड़ और कैरी आपस में मिल भी जाएंगे। अगर आपको कोई बड़े पीसेस दिख रहे हैं तो आप चम्मच से या पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं, या अगर आपको पसंद है तो आप बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं। बस थोड़ा सा और चलाइए और देखिए बातों ही बातों में आम की लौंजी तैयार हो गई है। अब कुछ टिप्स के बारे। वैसे तो आप किसी भी बर्तन में लौंजी बना सकते हैं, पर अगर आप आयरन कढ़ाई में बना रहे हैं तो कढ़ाई प्री सीजन होनी चाहिए और लौंजी बनाते ही आप उसे ग्लास या सिरेमिक कंटेनर में निकाल लीजिए। इसे फ्रिज में ही रखें तो ये 10 से 15 दिन लौंजी खराब नहीं होगी और टेस्टी भी लगेगी। अगर आप नमक का कम यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे सेंधा नमक या काले नमक में भी बना सकते हैं। ट्राई कीजिए, आप गुड़ का ही यूज़ करें, जैसा कि आप जानते हैं इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो झटपट से आप ये लौंजी बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।